सपना देखने का सबको अधिकार है। कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से बिहार से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कहे ना कि सपना देखने का अधिकार सबको है। सपना पूरा हुआ क्या? मुंगेरी लाल के सपने तो असीम जरूर हुए, पूरे नहीं हुए। तेजस्वी जो इनके सबसे प्रबल उत्तराधिकारी की बात वो करते थे, उसने खुद कहा है कि न ये प्रधानमंत्री बनेंगे और न ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा तो जो उनके बगल में रहते हैं, जिनके ऊपर अपना सारा वो भविष्य निर्भर किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह मुजफ्फरपुर आए थे संगठन को मजबूत करने और 2024 की लोकसभा तैयारियों को लेकर प्रवास कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री दावेदार पर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मुंगेरी लाल के सपने जरूर हसीन होते हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ करते। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, पहले आप वो सुनिए। पूरे देश में लोकसभा प्रवास योजना जो हमारे नेता हैं उनका चल रहा है। मेरा आज मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंदर प्रवास योजना के तहत हमारी एक बड़ी बैठक थी और इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण से लेके 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने का काम शुरू हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा विधायक, सांसद और अधिक राज्यों में हमारी सरकार है और दो बार पूर्ण बहुमत से दोबारा हमारी सरकार बनी है और 2024 में भी निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार आएगी। लोकसभा प्रवास योजना के तहत हमारे सभी नेता के जिम में कोई ना कोई लोकसभा है और वहाँ एक अभियान चल रहा है और आज मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टिंग की है, हमारे सारे नेता मौजूद थे, विधायक, पूर्व विधायक, सभी पूर्व अध्यक्ष, सारे प्रमुख नेता और सारे कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं? अब सपना देखने का सबको अधिकार है। कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से बिहार से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कहे ना कि सपना देखने का अधिकार सबको है। सपना पूरा हुआ क्या? मुंगेरी लाल के सपने तो असीम जरूर हुए, पूरे नहीं हुए। कई चीज और है, जिस तरीके से रामनवमी जुलूस में कई बिहार के कई जिलों में उपद्रव हुआ है और सरकारी लोग यानी सत्ताधारी लोग, मुख्यमंत्री आवास, अभी तमाम जगह इफ्तार हो रहा है, जो एक्शन होना चाहिए वो विपक्ष पर आरोप लगा करके। देखिए, हमारे देश के अंदर सत्ता के लोग ही नेताओं के द्वारा जो तुष्टिकरण की राजनीति चलती है, इससे बड़ा नुकसान होता है। और बिहार के अंदर तो हम भी सरकार में साथ रहे लेकिन शासन व्यवस्था तो जो मुख्यमंत्री जी होते हैं उनके गाइडेंस में चलता है। तो बिहार के अंदर हमने देखा है कि एकदम एक तरफा कार्रवाई होती है, जो गलती करते हैं तुष्टिकरण के नाते उन पर कार्रवाई न होना और जिनकी पिटाई होती है, जिनके घर में मारे जाते हैं, तो तुष्टिकरण के कारण इनके ऊपर ही कार्रवाई होती है और उसके कारण काफ़ी जन रोष है। अभी जो दो घटनाएं घटी हैं और वहाँ जिस प्रकार से प्रशासन का एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, निश्चित रूप से इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। निष्पक्ष एक्शन नहीं हो रहा था, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं तुष्टिकरण की नीति के कारण और इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। जो टीम है उसने साफ साफ स्वीकार किया है और तेजस्वी जो इनके सबसे प्रबल उत्तराधिकारी की बात वो करते थे, उसने खुद कहा है कि न ये प्रधानमंत्री बनेंगे और न ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा तो जो उनके बगल में रहते हैं, जिनके ऊपर अपना सारा वो भविष्य निर्भर किया है, उनके ये उद्गार है कि न ये प्रधानमंत्री बनेंगे न वे मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश दौरा से कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके वेलफेयर का काम जो मोदी जी ने किया है, इसकी तुलना में दूसरा कोई चाहे जितना भी कसरत करे उनकी हसरत पूरी होने वाली है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जेडीयू यूपी में भी चुनाव लड़ेगी? उनका अपना नागालैंड में भी लड़े थे, अधिकतर अगर गुजरात में भी लड़े थे। नीतीश कुमार खुद प्रचार करने जाएंगे, क्या लगता है? लड़े ही थे इसके पहले, सब जगह पार्टी लड़ी ही थी। अच्छा, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी भी हैं और
उत्तर प्रदेश से काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष एकता को लेकर के उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उनके प्रोग्राम घोषणा भी बड़े करीब हो चुका है, क्या कहेंगे? तो कितना असरदायक, इसके पहले भी सभी नेताओं से मिले हैं, जगह जगह गए और सभी नेताओं ने से मुलाकात की है, इस तो पहले भी किए थे ऐसा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है राधा मोहन सिंह ने, कई सारी बातों को कहा है। मुंगेरी लाल के सपने हसीन जरूर होते हैं लेकिन पूरे नहीं हुआ करते। वहीं उत्तर प्रदेश में जो नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचार करने जाएंगे, ऐसे में इसको लेकर भी उन्होंने कई सारी बातों को कहा कि कसरत जो है उनकी वो कोई पूरी नहीं होगी। और कई सारी बातों को भी कहा है, दुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है महागठबंधन पर। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।